पुलिस कार। एक गांव में अजय नाम का लड़का रहता था। वो फिल्मों में अभिनय करने के लिए उत्सुकता से घूम रहा था। उसके कारण वो कोई भी काम किए बिना सिर्फ सपनों में जी रहा था। एक बार उस गांव में शूटिंग शुरू हुआ, तब अजय खुश होकर कैस्टिंग डायरेक्टर के पास गया। सर, मुझे अभिनय में बहुत अनुभव है और बहुत टैलेंट भी है, आप मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं अपने आप को साबित करूंगा, कहा कैस्टिंग डायरेक्टर थोड़ा सोचकर। ठीक है, ऐसा ही कैरेक्टर है, 4 दिन का शूटिंग रहेगा, कल से आ जाना, कहा। अजय खुश होकर उसे गले लगाया। अगले दिन शूटिंग में अजय एसआई के भेष में पुलिस गाड़ी के पास जाकर खड़ा हुआ। उस गाड़ी का ड्राइवर छोटू कांस्टेबल के भेष में पहले से खड़ा था। ये पुलिस गाड़ी कौन से स्टेशन से लाया है ब्रदर? तू इसे ओरिजिनल पुलिस गाड़ी सोच रहा है? ये मेरा कैब वैन है, इसके ऊपर स्टिकर और साइरन लगा के एकदम पुलिस गाड़ी के जैसा वो लोग तैयार किए। पैसे ज्यादा देंगे बोले तो शूटिंग में लगाया, मुझे कांस्टेबल का किरदार भी दिए, कह के बोला। फिल्म वाले कुछ भी कर सकते हैं, कह के बोला। ऐसे शाम तक वो वेट किया, पर उसे शॉट के लिए कोई नहीं बुलाया। उतने में डायरेक्टर पैकअप बोला। ये क्या, मुझसे एक भी शॉट कराए बिना पैकअप बोले, कहा। मैं 10 दिन से वैन लगा के बैठा हूँ, पर एक दिन भी मुझे नहीं बुलाए, तो मैं क्या सोचूं? पेमेंट लेकर चुपचाप घर पर चलते हैं, चलो, कहा। ऐसे रोज अजय पुलिस ड्रेस पहनकर कार के पास खड़ा होता था। उसे शॉट के लिए बुलाते नहीं थे, वो असहन में गुस्सा हो जाता था। चौथे दिन असिस्टेंट डायरेक्टर आकर अजय को बुलाया। अजय खुश होकर गया। अभी तुझे विलन को अरेस्ट करना होगा, कहा। डायलॉग क्या बोलना होगा सर, कह के पूछा। क्लाइमैक्स में आए पुलिस को डायलॉग क्या होगा? यू आर अंडर अरेस्ट, क्यों, तूने कोई सिनेमा नहीं देखा है, कह के बोला। ये क्या, 4 दिन वेट करने के बाद क्या ये डायलॉग दे रहे, वो मन ही मन सोचा। बाद में डायरेक्टर ने एक्शन कहा। अजय विलन के पास जाकर कैमरा के और घूमकर यू आर अंडर अरेस्ट कह के बोला। डायरेक्टर कट 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 कट, क्या है भाई, कैमरा के और घूमकर क्यों बोल रहा है, विलन के और देखकर बोल, कह के बोला। तो मेरा मुंह भी सिनेमा में नहीं दिखेगा, सोच के विलन के तरफ घूमकर यू आर अंडर अरेस्ट कहा। शाम को शूटिंग होने के बाद अजय और छोटू पुलिस ड्रेस उनको हवाले किए बिना वो पुलिस गाड़ी लेकर चले गए। वो चाय पीने के लिए एक ढाबे के पास रुके। उतने में वो ढाबे का ओनर भागते हुए आके, सर नोटिस आया है, कृपया इस ढाबे को यहाँ से ना हटाने के लिए आपकी मदद चाहिए, ये लीजिए आप रखिए, कह के अजय को 2 लाख रुपए दिए। अजय और छोटू एक दूसरे का मुंह देखकर चौंक गए। ठीक है मैं देख लूंगा, जाकर 2 मटन बिरयानी लेकर आ, कह के बोला। ये क्या कर रहे हो भाई, वो हमें रियल पुलिस समझ रहा है, कह के बोला। सोचने दे, ये सब तुम्हारे पुलिस गाड़ी का कमाल है, आज के बाद यही हमारा धंधा है, सिनेमा हमें इस रूप में उपयोग हो रहा है, तू और कुछ मत बोल, दोनों का 50-50, कह के बोला छोटू। ठीक है बोला। उस दिन के बाद वो दोनों ट्रक वालों के पास पैसा वसूल करने लगे। शॉप वालों के पास जाकर धमका कर पैसे लेने लगे। वैसे दोनों बहुत पैसा कमाने लगे। एक दिन उस गांव का एसआई भूपेंद्र को एसपी ने फोन किया। क्यों भाई भूपेंद्र, सब कह रहे हैं कि तुम बहुत घूस खा रहे हो, तुम्हारे नाम पर बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं, कह के बोला। हैं? मैं कहाँ घूस खा रहा हूँ, पगार कम पड़ रहा है इसलिए लोन लेकर जी रहा हूँ, कह के बोला। वो सब मुझे नहीं मालूम, दोबारा अगर मुझे कंप्लेंट आया तो मैं तुम्हें चंबल में ट्रांसफर कर दूंगा, बोलकर फोन रख दिया। भूपेंद्र को कुछ समझ में नहीं आया। एक दिन भूपेंद्र भेष बदलकर एक मंदिर में से बाहर निकला। वहां अजय छोटू दोनों पुलिस गाड़ी लेकर खड़े थे। अजय भूपेंद्र को इधर आ, कह के बुलाया। भूपेंद्र उसको और उस पुलिस गाड़ी को देखकर चौंक गया। अजय के पास गया। अजय उससे, रोज मंदिर में चप्पल और पर्स गायब हो रहे हैं, बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं, तुझे देखकर मुझे शक आ रहा है, चल स्टेशन चलते हैं, चल, कह के बोला। अच्छा सर, चलिए सर स्टेशन को, कहा। कुछ नहीं, वो तुम्हें 4 साल की सजा हो सकती है, 40,000 देगा तो छोड़ दूंगा, कहा।
मुझे 4 साल नहीं तुझे 7 साल की सजा दिलाऊंगा। चल स्टेशन। अजय और छोटू दोनों घबरा गए। भूपेंद्र अजय और छोटू दोनों को लेकर जेल में डाल दिया। गोलगप्पा वाला। एक गांव में गंगाराम नाम का गोलगप्पा बेचने वाला रहता था। वो एक स्टैंड पर गोलगप्पा बेचता था। वो रोज गोलगप्पे खरीदता और बेचता था। आलू और प्याज काटकर रखता था। घर पर उसकी पत्नी स्वादिष्ट पानी बनाकर देती थी, चने की सब्जी भी बनाकर देती थी। क्योंकि उसका स्टैंड छोटा था, वो जहां चाहे गांव में वहीं जाकर बेचता था। चौपाल में, स्कूल के पास, गांव के मार्केट के सामने, इस तरह वो हर जगह जाकर बेचता था। उन पैसों से ही उसका परिवार का गुजारा होता था। एक दिन उस गांव में राजेंद्र नाम का काफी पढ़ा लिखा व्यक्ति आया। उसने गंगाराम को गोलगप्पे बेचते हुए देखा। लगता है इस गांव में सब गोलगप्पे खाने के आदी हैं। अगर एक स्टैंड लगाकर ये इतने पैसे कमा रहा है तो यदि मैं एक अच्छा चाट भंडार खोल लूं तो बहुत पैसे कमा सकता हूं। कुछ दिनों बाद राजेंद्र ने उस गांव में काफी पैसे लगाकर गोलगप्पे कैफे नाम का एक कैफे खोला। उसमें एक लड़का आकर, गोलगप्पा चाहिए। राजेंद्र ने एक प्लेट में 10 गोलगप्पे, एक कटोरे में पानी, साथ में मटर, प्याज और आलू लाकर रखा। ये क्या, इन सबको मैं ही मिलाकर खाऊं? हाँ, शहरों में बारबेक्यू रेस्टोरेंट नहीं गए, वहाँ हमें कबाब खुद बनाना पड़ता है। ऐसे ही गोलगप्पे तुम खुद ही बनाकर खाओ। वो लड़का मुश्किल से गोलगप्पे बनाकर खाने लगा। स्वाद अच्छा लगा तो सारे गोलगप्पे खा गया। राजेंद्र ने उसके टेबल पर बिल रखा। लड़के ने वो पाउच खोलकर बिल को देखा। ये क्या चाचा, 5 गोलगप्पे 30 रुपए में? हाँ बेटा, इस जगह का किराया, सजावट के लिए लागत, स्टाफ की तनख्वाह और टैक्स मिलाओ तो गोलगप्पे पर 25 रुपए खर्च होता है। मुझे सिर्फ 5 रुपए बचता है। कुछ दिनों तक वे गांव वाले कैफे के नएपन के कारण ज्यादा कीमती होने पर भी वहां जाकर गोलगप्पे खाने लगे। गंगाराम के धंधे पर इसका असर होने लगा। एक दिन गंगाराम अपनी पत्नी से, अब गोलगप्पे के धंधे में भी कॉर्पोरेट वाले आ गए हैं, अब मुझे मजदूरी करके ही गुजारा करना पड़ेगा। अरे आप चिंता ना करो, आप गोलगप्पे 5 रुपए में बेचते हो तो वो 30 रुपए में बेच रहे हैं। मैं डींगे नहीं मार रही, अपना गोलगप्पा ही स्वादिष्ट है। आप देखते जाओ, लोग आपके पास ही आएंगे। इस तरह कुछ दिन राजेंद्र का कैफे अच्छा चल रहा था। बाद में वहाँ बच्चे आकर प्लेट में गोलगप्पे देखकर अपने माँ बाप से, ये क्या, हम क्यों सब मिलाकर खाएं? गंगाराम चाचा सब मिलाकर देते हैं, चाहे जितना खाओ और खाने का दिल करता है। लगता है आप लोगों के पास पैसे ज्यादा हैं, इसलिए गोलगप्पे के लिए इतने बड़े कैफे में लेकर आ रहे हैं हमें। नतीजा ये हुआ कि लोग फिर से गोलगप्पे खाने के लिए गंगाराम के पास आने लगे। राजेंद्र के कैफे में आना बिल्कुल छोड़ दिया। इससे राजेंद्र को घाटा होने लगा। एक दिन गंगाराम राजेंद्र से, साहब आप काफी पढ़े लिखे हैं, मैं आपको क्या सिखाऊं? लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, कुछ चीजें सड़क पर ही बेची जाती हैं और कुछ चीजें होटलों में ही बेची जाती हैं। गोलगप्पे 5 रुपए में बेचो या 30 रुपए में, स्वाद तो एक ही है ना साहब? आपने फिजूल में इतना पैसा खर्च करके इतनी बड़ी दुकान खोल ली, अब नुकसान हो गया ना साहब? यही अगर आप किसी शहर में खोलते तो अच्छा होता, जरा सोचिए। राजेंद्र को ज्ञानोदय हुआ। तुरंत अपना कैफे को बंद करके शहर चला गया। तो खाने के मामले में जहां स्वादिष्ट खाना मिले लोग वहीं जाते हैं। ये आडंबर ज्यादा दिन नहीं चलता है ना?